मैं इस वक्त पिंडाल में मौजूद हूँ। पिंडाल से बाहर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी और रेंजर्स वगैरह ये पहुंचे हुए हैं और यहाँ से हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई सुना है कि मुठभेड़ भी हुई है, कारकुन शदीद जख्मी भी हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब के एक बेटे को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त एक हुकूमत ने तसादुम की कैफियत पैदा की हुई है और नवाजी एक सियासी जलसे से वो इस कदर खाइफ क्यों है, पीडीएम के जलसे से खाइफ क्यों है? और हमारा तो पीडीएम के जलसे से खाइफ क्यों है? हमारा तो एक पुरमन नजम था और उस पर नजम पर अमन नजम को जो है वो तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनको हम फिर भी बताना चाहते हैं कि जलसा इंशाअल्लाह यहीं पिंडाल में होगा और जो तयशुदा तारीख है उसी तारीख को होगा और हमारे कारकुनों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। रेंजर्स की गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है। बिल्कुल भी किसी तरह भी इस किस्म की हरकतें जो है ठीक नहीं है। लिहाजा हम जिला इंतजामी से कहते हैं कि वो रेंजर्स को और पुलिस को वापस बुला ले और शुरका जो जलसगाह की तरफ आ रहे हैं उनका रास्ता छोड़ दें। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।